नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के दो बड़े अपडेट के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। इससे पहले भी हमने पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी अपडेट हैं हमने आपसे रूबरू कराते रहे हैं। एक बार फिर हम नए अपडेट के साथ हाजिर हैं। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव की सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जहां उम्मीदवार अपने मतदाता के पास पहुंच रहे हैं, वहीं वोटरों के भी दिमाग में यह बात चल रही है कि आखिर हम किसे और किस तरह से हम मतदान करें। ऐसे में यह साफ हो गया है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के कई अहम जो है फैसले अब बिहार सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट 19,370 करोड़ रुपए का है। इसे लागू वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों में खर्च किया जाना है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले जनप्रतिनिधियों के खाते में जो बकाया राशि है उसे भेज दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए 2020-2021 के बजट में हर पंचायत को प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि संपत्तियों के मरम्मत और रख रखाव के लिए भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री गली नली योजना के रख रखाव के लिए भी 17 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। वहीं नई बसावटों का सृजन होने और फिर गलियों के रख रखाव के लिए भी यह खर्च किया जा सकता है। 1568 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग को दिए गए हैं। पंचम वित्तीय वर्ष की अनुशंसा के आधार पर यह राशि ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। यह वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दूसरे किस्त का बकाया राशि का हिस्सा है। इसी मद में नगर विकास एवं आवास विभाग को भी 638 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस साल हो रहे पंचायत चुनाव के लिए करीब 400 करोड़ और नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 333 करोड़ रुपए देने का प्रावधान भी इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। राज्य सरकार ने 3200 पंचायत सरकार भवन निर्माण की भी स्वीकृति दी है, जिसमें से 1387 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि 1813 पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना अभी बाकी है। पंचायत कर्मियों के संवर्धन के लिए राज्य पंचायत संसाधन केंद्र जिला पंचायत संसाधन केंद्र का निर्माण कराने की भी प्रक्रिया चालू है। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले दो बड़े निर्णय लिए हैं। एक तो पंचायतों के बकाया राशि का आवंटन करने की बात कही है। इसके साथ ही पंचायतों के विकास कार्य को लेकर भी कई नई योजनाओं में पैसे देने की बात कही है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार इस बार चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग द्वारा तकरीबन 120 करोड़ रुपए ईवीएम खरीद के लिए आवंटित की जाएगी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति नहीं मिलने के कारण मामला अटक गया है, जिसके बाद यह राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट की शरण में है। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले को दोनों पक्ष सहमति से सुलझाएं। पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग से इस विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का निर्देश दिया। अगर आपसी सहमति से कोई निर्णय नहीं होता है तो 10 मार्च को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम से मतदान कराने की अनुमति को लेकर पत्र लिख रहा है। इधर भारत निर्वाचन आयोग का मानना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मशीनें इस्तेमाल की जाने की बात कही जा रही है उसमें अलग से SDMM लगाने की बात है, जिस पर आयोग को आपत्ति है। दरअसल ईवीएम मशीन में SDMM यानी कि सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूलेशन डिवाइस होगा, जिसमें तमाम वोटिंग की संख्या जमा होगी। इसके बाद इस डिवाइस को कंट्रोल यूनिट से निकालकर स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाएगा। गिनती के वक्त ईवीएम मशीन को जोड़कर वोटों की गिनती की जाएगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की माने तो निर्वाचन आयोग का कहना है कि पंचायत चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के पास मौजूदा मॉडल यानी कि M2 मशीन का प्रयोग किया जाए, लेकिन बिहार राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से EVM मशीन लेना चाहती है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में चल रहे खींचतान के बीच में यह माना जा रहा है कि बिहार पंचायत चुनाव की तारीखें आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।